नमस्कार किसान भाइयों, मैं पंकज चौहान फिर से उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आपकी रिक्वेस्ट पर आज हम शिमला पहुँचे हैं श्री डॉक्टर एस पी भारद्वाज जी के पास, जो आज हमारे को बताएंगे कि हमारे समर ऑयल्स और TSO जो ऑयल्स होते हैं उनका यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आप किस पोस्ट पे पहले थे और अभी आप शायद रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, मुझे रिटायर हुए लगभग 9 साल हो गए हैं। हाँ जी, मैं मेनली तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में रहा 2.5 साल, शुरू में 1973 से 1975। हाँ सर। और उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी सर्विस ज्वाइन की, फिर मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर तक रहा। हाँ जी सर। और लगभग 1975 से 2009 तक मैंने यूनिवर्सिटी का विभिन्न पदों पे कार्य किया, और उसमें मेन जो काम था वो रिसर्च, अनुसंधान करना, टीचिंग करना, पढ़ाना क्लासेस को, BSc MSc PhD, और उसके बाद हमारे किसानों के लिए जो हम अनुसंधान करते थे उस पर उनको जागरूक करना, उनको बताना कि इसका प्रयोग कैसे करें और इससे क्या लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और मुख्य रूप से हम ये कहते थे कि जो भी काम है वो आप जो है वो तन्मयता से करें और सोच समझ के करें, और जो कीटनाशक हैं उसका प्रयोग कम से कम करें, और जितना आप कम कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे उतने आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि लंबे समय तक इसका फ़ायदा होता है। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारे पॉलिनाइजर्स हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, जिनको हम जैसे तोता जिसको बोलते हैं, जैसे लेडी बर्ड भी, लेडी बर्ड, हाँ, तो वो बचते हैं, हनी भी बचती है जो पॉलिनेशन करती है, परागण करती है, तो अगर अदरवाइज ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी फसल को बचाने वाला फिर कोई नहीं रहे। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो आपने ये एक्सपीरियंस जो आपका है ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। तो डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि हमारे किसानों को ये पता नहीं है कि जो हमारे समर ऑयल और TSOs है उनको हम कब यूज़ करें और उसका यूज़ करने का सही वक्त क्या होता है और इसको यूज़ क्यों करते हैं हम लोग। जी, ये बिल्कुल वाजिब प्रश्न है आपका। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुरू में तो सिर्फ TSO ही होते थे, जिसको हम ट्री स्प्रे ऑयल कहते थे, और इसमें पहले डीजल में साबुन मिलाते थे और उसको छिड़काव करते थे, उसमें बहुत अशुद्धताएं होती थी, मतलब वो प्योर नहीं था, और उससे क्या होता था कि जो हमारा पौधा था वो काले रंग का हो जाता था। हाँ जी। जब पौधा काले रंग का होता है तो उसमें क्या होता है कि धूप पड़ती है, इन दिनों में पत्तियाँ नहीं होती पौधों पर, तो धूप ना होने की वजह से पौधे में काला रंग जब हो जाता है तो उसमें धूप का जो असर है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि काला रंग जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं ना इसको। हाँ जी, हाँ जी। मतलब उसमें जो सूरज की जो रोशनी है, जो ताप है, वो ज़्यादा अंदर जाएगा, और उससे क्या होता था, कैंकर रोग बढ़ता है उससे। तो जितनी कैंकर की समस्याएँ हैं, वो जितना काला पदार्थ आप इसमें लगाएंगे उतना ही वो कैंकर को पनपने में सहायता देता है। बाद में 1990 में फिर हमने इनको कोशिश की, जितने भी ये तेल बनाने वाली कंपनियां थी, जैसे भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये भी मतलब उपक्रम है, तो उनको कहा कि आप शुद्धता से इसको शुद्ध कीजिए तेल को और उसको बेहतर बनाइए। तो फिर मैंने इनको काफ़ी इनको बताया भी और ट्रेनिंग भी दी और इनसे फिर इनके ट्रायल भी किए। तो आज जो भी तेल है, एक तो वो पानी के लगभग पानी के माफिक शुद्ध होना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको कारण बताया। दूसरे उसमें क्या, सल्फ़र नहीं होना चाहिए इसमें। सल्फर जो, हाँ, सल्फ़र जो है, जितना ज़्यादा सल्फ़र पानी मतलब तेल में होगा उतना वो रिएक्ट करता है, यानी पानी में जा करके वो माइल्ड H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और उससे क्या होता है कि जो पौधे की जो कोमल भाग हैं उनमें वो जलन पैदा करता है, और उससे हमारे चाहे फूल हैं चाहे हमारी पत्तियाँ हैं उनमें जब सल्फ़र के ज़्यादा होने से, तो सल्फ़र इसमें नहीं होना चाहिए, क्लोरीन इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है पानी। तो वो जो अशुद्धताएं हैं उनको दूर करके इसे साफ़ किया गया, और इसके साफ़ करने से एक तो ये फ़ायदा हुआ कि हमें इसकी मात्रा कम करने से भी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मतलब मात्रा इसकी कम यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे और फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलेगा। और शुरू में जो, जैसे मैंने कहा, TSOs थे, इनका जो प्रयोग था वो किया जाता था, आप समझें, दिसंबर जनवरी के महीने में, जनवरी, तो हाँ, वो इसलिए क्योंकि उसको बाद में प्रयोग करना संभव नहीं था। फिर थोड़े से TSOs को हमने कोशिश की कि भी ये बाद में भी प्रयोग किए जा सकें, तो उसकी सिर्फ 4 लीटर ही डोज उसकी कार्य करती थी, अगर 5-6 लीटर हम डालते थे तो उसमें जो कलियाँ थी या जो कोमल पत्तियाँ थी उसमें जलने का
अंदेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो ये जो शुद्ध तेल हैं इनके प्रयोग से एक तो हमारी जो पौधे की कोई भी पौधा है या खास करके सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, या कोई हमारे स्टोन फ्रूट्स हैं, चेरी है, बादाम है, तो इनमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ख़ास करके ये किया गया प्रयोग स्केल के पे। सर ये पूरी तरह से काम करेगा? बिल्कुल। जब 4 लीटर हम एक तो हमारे जो बागवान हैं उन्होंने जो ड्रम है वही नहीं नापे हुए हैं, तो वो अंदाज़ा लगा के करते हैं कि ये 220 है 226 है। तो हम जहाँ भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले तो उनको जो बैरल है उसकी उस ड्रम को उनको नापना चाहिए। नापने का बड़ा सिंपल तरीका है, या तो बाथरूम की बाल्टियों में आप जानते हैं उसमें निशान होते हैं, बिल्कुल नहीं है तो जो आपकी जैसे मैक वालों की बाल्टी है, जैसे भारत पेट्रोलियम की है या HP वालों की बाल्टी है, तो जहाँ पे जो ऊपर की रीड है, जहाँ पट्टी होती है, जहाँ से हम हैंडल पकड़ते हैं, वहाँ तक अगर पानी भरेंगे तो उसमें 22 से 23 लीटर पानी आता है। तो अगर आप उसमें 22 लीटर पानी डालेंगे वहाँ तक, 9 बाल्टियाँ डाल दीजिए और 198 लीटर होगा, 2 लीटर तेल आप और डालिए तो 200 हो जाएगा। लेकिन तेल में क्या होता है कि जितना आप तेल डालेंगे उतना पानी कम करना है। फिर आपने जैसे हमने 4 लीटर पानी डाल दिया, मान लीजिए 200 ले लिया, 200 में से फिर उसमें निशान लगा दिया अंदर बाहर, तो उसमें से आप देखेंगे कि कोई भी ड्रम है, हमने तो 265 लीटर तक ड्रम देखे इसके, 226 लीटर का कम से कम देखा, 265 लीटर का जो ड्रम है वो ज़्यादा ज़्यादा देखा। तो आप देखें अगर 226 लीटर को भी अगर हम मान के चलते हैं तो उसमें डाइल्यूशन जो है 13% होगी, 13%। तो 13% जब डाइल्यूशन होगी वो सिर्फ तेल के लिए नहीं औरों के लिए भी होगी। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम दवाई डालेंगे, जैसे मान लो स्कोर डाली आपने बाद में, हम उसको डाल लें 30 ml, तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। जब वो डाइल्यूट हो गई तो फिर बीमारी को सशक्त नहीं रहेगी वो उसको नियंत्रण करने में। तो सबसे पहला जो काम है बागवानों को जो करना चाहिए वो करना चाहिए कि ड्रम की जो नाप लें उसको 200 लीटर पानी कहाँ आता है वहाँ पे निशान लगाएं, उसके बाद ही दूसरा काम शुरू करें। तो जैसे हम 4 लीटर उसमें से फिर हम पानी निकाल देंगे और 4 लीटर फिर हम आधी बाल्टी जो निकाली उसमें 4 लीटर तेल डालेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 200 होगा। पूरा 200 होना चाहिए, 200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, खास करके जब लीटर्स की जहाँ बात आती है। हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये जो इसका सही समय है करने का, कुछ लोग आजकल भी करते हैं लेकिन आजकल करने का इसका फ़ायदा नहीं होता। लोग जो हैं उसकी ज़्यादा डोज डालते हैं, एक तो 6 से 7 लीटर डाल देते हैं, खर्चा 1.5 से 2 गुना कर लेते हैं, बिल्कुल लाभ उनको फ़ायदा कुछ नहीं होता। और फिर लोगों को ये भी भ्रम है कि काला जो जब तक पौधा ना हो, लोग कहते हैं कि इसकी मालिश हो गई, तो ये मालिश जो है वो मालिश नहीं होती एक्चुअली, वो कालापन उसमें आता है और ब्राउन से या डार्क ब्राउन से कालापन जितना बढ़ता जाएगा, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, उसमें धूप की जो मार है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो चमड़ियाँ फट जाएगी, कोशिकाएँ फट जाती हैं और उसमें कैंकर रोग जो है वो बढ़ जाता है। और आप देखेंगे अगर कैंकर रोग बढ़ गया तो हमारे पौधे को फिर बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कैंकर जो आज पूरे हमारे हिमाचल की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। एक तो ये कारण है और दूसरा जो है कटिंग हम ज़्यादा करते हैं, वो मतलब जो कटिंग जब करते हैं कांट छांट करते हैं तो उस वक्त जो है सॉरी उसके बाद हम उसको ट्रीट नहीं करते, हम बहुत दिनों के बाद करते हैं, इसलिए कीटाणु जो है वो अंदर चले जाते हैं और उससे हमारी जो कैंकर रोग है वो फैलता है। तो इसका जो जैसे आपने पूछा कि कब प्रयोग करना है, जब सही टाइम क्या है इसका, बिल्कुल इसका जो सही टाइम है वो है जब पत्ता 1/2 इंच आ जाए और कली जो है थोड़ी दिखनी शुरू हो जाए, 1/2 इंच लीफ स्टेज। हाँ हाँ, उस वक्त आप इसको 4 लीटर डालिए, 4 लीटर 196 लीटर पानी अपने आप हो जाएगा, टोटल जो है 200 लीटर। हाँ, इसमें से जो भी यूनिवर्सिटी द्वारा स्वीकृत हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम का मैक ऑल सीजन है, आर्बोफाइन का टोटल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का HP है, स्प्रे ऑयल इंडियन ऑयल का है, तो ये सर्वो के नाम से, तो आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। और इसको 4 लीटर डालना है और आपने 4 में 196 लीटर पानी और टोटल आ गया 200। तो अच्छा, इसका इससे माइट रुकती है, माइट भी कंट्रोल होगी, स्केल भी, स्केल 2 उसमें। लेकिन जब हम इसको आगे प्रयोग करते हैं, इसको हम आगे भी प्रयोग कर सकते हैं, वो जो मात्रा है वो हम करेंगे आधी आधी मात्रा, आधी मात्रा का मतलब 2 लीटर 2 लीटर एक ड्रम में, 200 लीटर पानी में, 2 लीटर 198 लीटर पानी, 198 लीटर में 2 लीटर। और वो कब करेंगे, जब पी साइज का हो जाएगा, यानी मटर के दाने के बराबर जब हो जाएगा या थोड़ा सा इससे आगे हो जाए, वो लगभग जो 50% जो फ्रूट है जब हमें इतना दिखना शुरू हो जाए, अगर हम उसको उस अवस्था में करते हैं तो क्या होता है कि इससे माइट भी मरती है और साथ में पाउडर मिल्ड्यू का भी कंट्रोल होता है,
बिल्कुल सर, पाउडर मिल्ड्यू के लिए नहीं तो आपको एक फूंद जो है वो एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, उसका खर्चा बचता है और पत्तों पे चमक आती है, पत्तों पे चमक आके पत्तों तो सर जो आप टीएसओ डालते हैं, टीएसओ के बीच कुछ हम कीटनाशक यूज कर सकते हैं? नहीं, करते हैं लोग वैसे, इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। 4 लीटर जब आप डालेंगे तो स्केल को पूरा ख़त्म कर देता है। और इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो करना होता है कि लोग करते हैं नीचे से ऊपर को स्प्रे, बिल्कुल ये ऊपर से नीचे को करना चाहिए स्प्रे, और बिल्कुल धुआं धार मिस्ट बना के, फॉग बना के स्प्रे करें। तो फॉग बना के बिल्कुल इसकी स्प्रे करनी है आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल, और जितना फॉग बना के और पतला स्प्रे करेंगे, महीन बारीक करेंगे, उतना ही एक तो इसमें जो हमारा सोल्यूशन है वो कम लगेगा और उसका असर ज़्यादा होगा, और आपको पाउडर मिल्ड्यू का भी कंट्रोल उसमें साथ साथ में मिलेगा। और इसका हम दूसरा छिड़काव जो है एक 21 दिन के बाद फिर दे सकते हैं, जब अखरोट के दाने से छोटा हो और खुमानी के आसपास अगर फ्रूट बनता है उस वक्त अगर हम देते हैं तो उसमें पाउडर मिल्ड्यू का जो असर है, ख़ास करके हमें मतलब मई के महीने में ही इसको करना चाहिए। तो इसका रेशो उस टाइम भी सर 2 लीटर ही होगा? 2 लीटर इसको हम बढ़ा सकते हैं? नहीं नहीं, 2 लीटर इसके ज़्यादा करने की, क्योंकि ज़्यादा जो है इसको नहीं किया जाता, एक तो खर्चा बढ़ता है और दूसरे इसके ज़्यादा करने से नुकसान होता है। तो शुरू में 4 लीटर यानी 2% जो हम मार्च के महीने में करेंगे, मार्च में आ जाती है स्टेज। हाँ, क्योंकि सर जैसे कि कोटगढ़ की अलग स्टेज होगी, रोड वालों की अलग स्टेज होगी और किन्नौर वालों की अलग, बिल्कुल ठीक है, हर जगह में अलग अलग स्टेजेस होगी, उसमें टाइम बदल जाएगा लेकिन स्टेज नहीं बदलेगी। स्टेज जो है जैसे 1/2 इंच से लेके आप टाइट क्लस्टर स्टेज तक इसको कर सकते हैं, उसमें डालेंगे आप 4 लीटर 196 लीटर पानी में। और ये जो कोशिश करें कि आप HMO यूज़ करें, हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल, तो आजकल और वो बिल्कुल शुद्ध तेल होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है TSO और समर ऑयल्स में? TSO मैंने जैसे कहा अशुद्ध तेल हैं, जितने TSO हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, उसमें अशुद्धता ज़्यादा है और वो पौधे पे नकारात्मक प्रभाव डालता है, एक तो काला कर देता है पौधे को, मतलब जैसे ब्राउन कर देगा, और उसमें कैंकर को रोग को बढ़ाने में वो सहायता करता है। जो HMO है ये कैंकर रोग को नहीं बढ़ाता, इसमें जैसे आप स्प्रे करेंगे तो उस स्प्रे करने से छिड़काव के बाद आपको ये लगेगा कि पौधे में दिखता तो है कि छिड़काव हुआ है, लेकिन बड़ा फाइन सा छिड़काव लगता है और उसमें कोई भी नकारात्मक असर पौधों के स्वास्थ्य के ऊपर नहीं होता। इसमें वूली एफिड भी कंट्रोल होता है, अगर आप इसमें करें जैसे प्रेशर से करेंगे तो 50% के करीब जो है वूली एफिड कंट्रोल हो जाता है। जैसे मैंने कहा पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल होती है, बिल्कुल माइट कंट्रोल होती है, और ये और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है जो ये जहर नहीं है, ये जो मतलब पौधे पे जो असर करता है ये करता है, हमारे कीड़े जो मरते हैं वो सांस घुटने से मरते हैं, तो सांस जब बंद हो जाए जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई चेक हो जाती है तो ये उससे नहीं मरता, जैसे दूसरे जहर जो हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, ये फिजिकली रिएक्ट करता है। तो जैसे सांस किसी का बंद हो गया तो उसकी वजह से, तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होती कोई भी, एक तो ये है, और दूसरे इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके दूसरे खर्चे जो जो फंजीसाइड के हैं मई महीने में बिल्कुल बच जाते हैं और पाउडर मिल्ड्यू का पूरा कंट्रोल मिलता है, और आपको फिर माइट के लिए ज़्यादा छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप ये 3 छिड़काव कर दें, एक 4 लीटर यानी 2 लीटर 2%। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आप समर ऑयल यूज़ करने को कह रहे हैं, इसकी क्या डोजेज रहेगी एक ड्रम में? इसमें मैंने जैसे आपसे कहा डोजेज रहेगी, वो जैसे शुरू में हम करेंगे जब 1/2 इंच से लेके 1/2 इंच से लेके टाइट क्लस्टर तक, उसमें रहेगी 2%। 2% का मतलब 4 लीटर 196 लीटर पानी। TSO और समर ऑयल की सेम रहेगी सर? हाँ, TSO समर ऑयल की, और कोशिश करें कि आप समर ऑयल करें। लोगों को जैसे अब नई पद्धतियों पे जा रहे हैं तो जो नए विकास हो रहे हैं, जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, उसी के आधार पर हमें उन्हीं कीटनाशकों का, उन्हीं रसायनों का प्रयोग करना है जो हमारे वातावरण को दूषित ना करें और सेफ रखें, और जिससे कि हमारी जो नेचुरल पॉपुलेशन है, प्राकृतिक जो जीव हैं, वो जैसे तोता, जैसे मैंने कहा जो लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड और दूसरे भी हैं, ये मरते नहीं हैं, ये जो हैं बच जाते हैं इससे, उससे मरते हैं, और उससे क्या होगा जितने मरेंगे तो उनको तो हम पैदा नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। दूसरे वो 24 घंटे जो है उनका जो भोजन है वो है सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट, जैसे स्केल को खाते हैं, माइट को खाते हैं, वूली एफिड को खाते हैं, कोई और कैटरपिलर मिल गया उसको खाते हैं, तो वो 24 घंटे उनको घूमते रहते हैं। जिस भी बगीचे में आपको बक्खी दिखे या ये लेडी बग दिखे या लेडी बर्ड बीटल जिसको हम बोलते हैं, तो उसका मतलब स्पष्ट रूप में ये होता है कि यहाँ पे कीटनाशकों का प्रयोग नहीं हो रहा, और ये हमारे वातावरण के अच्छे वातावरण का एक संकेत है, सांकेतिक होता है ये, जिसको हम कह सकते हैं कि क्लीन एनवायरनमेंट है, जिसको हम कह सकते हैं शुद्ध वातावरण है
जहाँ पे शुद्ध वातावरण रहेगा तो हमारे जो जितने भी हमारे ये जो जो मतलब फ़ायदा पहुँचाने वाले लाभदायक कीड़े हैं ये रहेंगे और हमारे हानिकारक कीड़ों को ये खा करके अपना भोजन बना करके बगीचों में इनका नियंत्रण करेंगे। अच्छा, तो सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो आज ओलियोफिड जो आज बढ़ती जा रही है बीमारी, आज से 30 साल पहले ये ना के बराबर थी, तो ये इसका कारण क्या हो सकता है कि जो आजकल ये इतना ज़्यादा बढ़ रही है? नहीं, एक तो सबसे बड़ा कारण जो है वो होता है वातावरण। ये जब 14 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है तो ये इसका जो है रिप्रोडक्शन बड़ा हाई हो जाता है। नंबर दो, ये आजकल क्या है कि जब बारिशें कम होती हैं और फॉग कम हो, हम हवा में नमी कम हो, अब आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में हमारे क्या है कि जो नमी है या जो बारिश का क्रम है वो बड़ा भिन्न सा हो रहा है। मतलब जब बारिश आएगी लगातार आएगी, थोड़े दिन रहती है और ज़्यादा दिन हमारी जो बारिश है वो नहीं है। तो बारिश ज़्यादा ना होने के कारण इसकी जो आबादी है वो बढ़ रही है। तीसरा है कि ये जो आबादी है हमारी वो जैसे हम कटिंग करते हैं, मतलब प्रूनिंग करते हैं, उसको एकदम लोग क्या करते हैं उस प्रूनिंग को बाद में करते हैं उसको ट्रीट, लेकिन वो करेंगे जैसे मान लीजिए प्रूनिंग करने में, कांट छांट करने में बगीचे में लग गया एक महीना या 30 दिन लग गया, 45 दिन लग गया, तो 45 दिन के बाद वो ट्रीट करेंगे, तो उसका तो ट्रीट किया ना किया बराबर है, वो तो साथ साथ कर लेना चाहिए। उसमें क्या है, एक तो ट्रीट कर लें और साथ में उसमें बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे जो है साथ साथ डालते रहें। बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे डालना है साथ में? जी हाँ, जैसे 2 किलो उसमें नीला थोथा होता है, 2 किलो चूना और 200 लीटर पानी उसमें घोल बना के आप इसको अगर कर देंगे तो बूली एफिड की कंट्रोल भी हो जाएगा और कैंकर भी उन पौधों पे नहीं लगेगा उससे। ये स्प्रे सर डोरमेसी सीज़न में ही होगी? हाँ, ये डोरमेसी में होता है। ये जैसे आपने मतलब जैसे जनवरी फरवरी इवन मार्च में करेंगे तो पत्ते आने से पहले करेंगे इसको, पत्ते आने पे नहीं किया जा सकता इसको। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा और है, हमारे किन्नौर में पेपरी बाग की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है, कि किन किन कारणों से आ रही है उस जगह में, आप समझा सकते हैं इसको? नहीं, पेपरी बाग जो है वो मुख्य रूप से ऐसे है कि पेपरी बाग आता है जहाँ पे धूप की मार ज़्यादा हो या जो जिन बागीचों में पानी ज़्यादा दिया जाता हो। वैसे पानी वाली स्थिति तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जिन पौधों में या जिन बागीचों में नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा दी जाती हो उनमें भी ये ज़्यादा बढ़ता है ओलियोफिड। हाँ, ओलियोफिड बढ़ेगा, कैंकर बढ़ेगा, माइट बढ़ेगी, स्केल बढ़ेगी। तो जो कैन की, जैसे कैन तो आजकल नहीं मिलती, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है या दूसरे हमारे यूरिया का कई बार लोग जो है वो ज़्यादा स्प्रे देते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी उनको भी चाहिए होता है, अंडों के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन उनको नाइट्रोजन से मतलब का पार्ट है उससे मिलती है। तो जितनी भी नाइट्रोजन अगर मात्रा ज़्यादा दी जाएगी तो वुलियाफिड, माइट, स्केल और कैंकर, ये चारों समस्याएं ज़्यादा बढ़ेंगी। और इसमें जो ट्रीटमेंट है वो एकदम देनी चाहिए, जैसे मान लीजिए एक ड्रम के लिए हो गया 30-35-40 पौधे हो गए, आपने प्रून कर दिए, काट छाट कर दी, उसके बाद उसको बोर्डो मिक्स का स्प्रे कर दें, उससे इसका बहुत बचत हो जाती है। और जिन पौधे जो टेढ़े हो जाते हैं बहुत बार, खाली होते हैं पौधे जहाँ पर धूप की मार पड़ती है, जैसे लाल हो जाते हैं वहाँ चमड़ी आपने देखा होगा, तो उसमें भी आजकल जो है वाइट पेंट लगा दें, वाइट पेंट जैसे हम तनों में लगाते हैं। हाँ जी, तनों उसमें 1 किलो नीला थोथा, 9 किलो चूना, 24 लीटर पानी और 1 लीटर अलसी का तेल, वो भी उबाल के ठंडा करके उसमें मिलाएं, अलसी का तेल उबाल कर, या फिर 700 ml या मतलब 750 ml HMO जो हॉर्टिकल्चर मनाल की बात करें वो चिपकाने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें डाल सकें, उससे भी हमारी इन रोगों की बड़े अच्छे ढंग से जो है रोकथाम हो जाती है और बिना ज़्यादा खर्च के। लोग जो हैं वो ज़्यादा पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, असल में जो दिक्कत है वो महंगे से महंगे फंजीसाइड ले रहे हैं, इंसेक्टीसाइड ले रहे हैं, तो इंसेक्टीसाइड बिल्कुल ना लें, पूछ के लें, आपसे वो संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे हज़ारों लोग वैसे जुड़े हुए हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से हैं, और हम भी बीच में जाते हैं लोगों को सलाह देने के लिए, तो उनमें हम बताते हैं कि भी आप जो हैं हमसे फ़ोन पे, टेलीफोन पे या इस पे मोबाइल पे बात कर लें, और उससे कि और आजकल तो आप देखें नवीनतम ढंग है, आप फ़ोटो भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें, उसमें ज़रूरत नहीं होती। लोग जो हैं डर के मारे जो हैं अधिकतर काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, और हर बगीचे की अपनी अपनी समस्याएं हैं,
उस समस्या को ध्यान में रखते हुए ही सारे काम करने चाहिए, ना कि देखा देखी में कि बगी मान लीजिए एक गांव में एक ने शुरू कर दिया स्प्रे तो सारा गांव उसको कर देता है, जो मतलब ये समझेंगे वैज्ञानिक विधि नहीं है और वो अच्छी बात नहीं है। तो मतलब सोच समझ के करें और खर्चा जो है ढंग से करें, और ये ज़रूरी नहीं कि जो महंगी दवाई है उसका जो आपको परिणाम मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब हमारी कई ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि कम पैसे खर्च करके भी हम बहुत अच्छा पौधे की सेहत मतलब आपके पौधे की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा, बीमा स्ट्रांग होगा, बीमे का स्वास्थ्य ठीक होगा और मधुमक्खी को हम बचा पाएंगे, इंसेक्टिसाइड का कंट्रोल काम करेंगे और फंजीसाइड का भी काम करेंगे, और मतलब ज़रूरत के मुताबिक और ख़ास करके ज़मीन में जो है कोशिश करें कि हम सॉइल टेस्टिंग के बाद ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डालें और बिना वैज्ञानिक सलाह के कार्य ना करें। बिल्कुल किसान भाइयों, जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया है, इनकी हर बात को आप देख लीजिए कि ये इन्होंने सब कुछ पॉइंट आउट किया है कि आपको क्या करना चाहिए हर स्टेज में। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे आज एक क्वेश्चन और करूँगा, जैसे कि हमारी दो तीन चार सालों से बर्फबारी नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और लोगों को आप क्या एडवाइस करोगे कि इसके रिगार्डिंग क्या करना चाहिए? नहीं, बर्फबारी का तो मेन कारण तो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारा है ये, इसके लिए भारत कम जिम्मेदार है, जो बाहर के देश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा हैं, USA है, कनाडा है या और जितने भी डेवलप्ड, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी अभी आप देखें वो तो AC में रहते हैं सारे, उसमें इतनी हीट पैदा करते हैं, वो जो हीट है वो सर्कुलेट सारी हमारी पृथ्वी में होती है, तो उसकी वजह से जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल रही है, उसमें टेम्परेचर जो है स्लाइटली अप हो रहा है। पिछले 100 सालों में आप देखें जो टेम्परेचर है वो लगभग आधा डिग्री अप हो गया है, तो अगर आधा डिग्री अप हो जाए और 1 डिग्री ऊपर चला जाए तो जितनी भी हमारी बर्फ़ है जो स्टोर हाउस है हमारे पानी का, तो उसमें कम जमेगी क्योंकि तापमान जो है बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम बहुत से मैंने भी देखा कि जैसे आजकल बच्चे जो हमारे नए बागवान हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं कि आप फसलों के इनको जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ना जलाएं, तो बेस्ट है उसको आप जैसे पत्तियां हैं पत्तियां आप तौलिया में डालिए, तो तौलिया में अगर आप डालेंगे जैसे आप तौलिया बना रहे हैं उसके बीच में डाल दीजिए जो हमारी अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो पत्तियों को जला देते हैं, तो जलानी नहीं चाहिए पत्ती उसको, आप जो हैं जलाने का सिर्फ काम चूल्हे का जो थोड़ा बहुत है वो रखो, और उस राख को भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपने तौलियों में डाल के, और वो मार्च में डालनी चाहिए लगभग 1 किलो। सर, जैसे कि कहते हैं कि जो पेड़ के नीचे पत्ते छूट जाते हैं उसको द्वारा पौधे में नहीं रखना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, क्योंकि इसमें ओलियोफिट के क्रॉलर या माइट के क्रॉलर नहीं उसमें नहीं होते, जब आप इनको दबा देंगे ये ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उसमें उनको फूड नहीं मिलेगा। अच्छा, जब हम इनको जलाते थे उसमें पहला कारण होता था कि उसमें वूली एफिड के अलावा वो नहीं होता था, स्कैब होती थी उन दिनों में, स्कैब के जो स्पोर्स थे उन पत्तों में रहते थे और वो उसका स्टोर हाउस होता था मल्टीप्लिकेशन का, बीमारी का, इसलिए उनको जलाते थे। 5% हम यूरिया का स्प्रे देते थे 10 किलो प्रति 200 लीटर पानी में। बिल्कुल सर, ठीक है ना, 190 लीटर पानी होता था वो। अब जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसलिए ज़रूरत नहीं है कि स्कैब हमारे प्रदेश में बागवानों के सहयोग से और विभाग और वैज्ञानिकों के मतलब मेहनत से इसको कंट्रोल कर लिया गया है। तो अब जो है जो पत्तियां हैं अगर आप सिर्फ मिट्टी में मिला देंगे तो उन मिट्टी में मिलाने से पत्तियों में जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे इसमें पोटाश है, फास्फोरस है, बहुत हैं, इसमें कैल्शियम है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, मॉलिब्डेनम है, कॉपर है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं प्राकृतिक हैं और हमारे पौधों को प्राकृतिक रूप से मिली, धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन जो 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 पौधे हैं उन पौधों में जब प्राकृतिक खाद मिलेगी, उनको डाइट मिलेगी, तो उसका जो स्टोरेबिलिटी आपने देखा वो बढ़ेगी। ओके, ठीक है, तो मीठा होगा, स्वाद होगा, और उसकी जो लंबे समय तक उस फ्रूट को हम उसको स्टोर कर सकते हैं जो आजकल समस्या आ रही है। तो किसान भाइयों, आज डॉक्टर साहब ने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, आप इनका ज़रूर आभार व्यक्त करना, और जैसे कि इन्होंने सब बीमारियों के बारे में आपको बताया कि कौन सी बीमारी पे क्या हमारे को करना चाहिए, तो हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमें इतना वक्त दिया, आप लोगों के लिए इतना वक्त दिया, ताकि मैं इसीलिए आया था यहाँ कि ताकि आपकी हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाए।
तो आज हमारे को ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो किसान भाइयों, मैं जो भी आप यूज़ करते हैं जो भी प्रोडक्ट, प्लीज़ वो किसी से पूछ के कर ले, डॉक्टर से पूछ के कर ले कि क्या इसको यूज़ करना चाहिए। आजकल ऐसा हो रहा है कि जो भी हम दवाई ला रहे हैं उसमें दिया होता है, एक चिट दिया होता है, उसमें भी दिया है कि कुछ फ्रूट्स के नाम दिए होते हैं, उसमें एप्पल नहीं दिया होता है कि इनके अलावा इसको किसी में मत डालिए। फिर भी जो किसान भाई लोग हैं वो उनको डाल देते हैं, कभी कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, फिर उसको फिर हॉर्टिकल्चर वालों को ब्लेम करते हैं। तो जो भी आपने मिक्स करते हैं लोग दवाइयां ना, मिक्स भी करते हैं, ये मिक्स बिल्कुल भी नहीं करें। हाँ, जो भी करना है आपने सब कुछ पूछ के कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिर इनके सामने हम और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जो आपके क्वेश्चन होंगे ज़रूर इनके पास दूसरी टाइम, सेकंड टाइम ज़रूर आएंगे। तो सर, आपका इतना टाइम दिया आपने, तो आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।